नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बॉलीवुड में रिलीज़ हुई 2021 की बहुत ही शानदार, जी हाँ दोस्तों, द गर्ल ऑन द ट्रेन, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी बताई जा रही है और इसके रिव्यू भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं, उसका ऑडियंस रिव्यू आज हम देखने जा रहे हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल के बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो आइए दोस्तों आज हम इस मूवी के बारे में बात करते हैं। इसमें स्टार कास्ट की बात करें तो परिणीति चोपड़ा, जैकलिन फर्नांडिस, अविनाश तिवारी और कीर्ति कुल्हारी और ईशिता दत्ता, इन्होंने जो काम किया है वो काफ़ी सराहनीय है और मूवी के जो रिव्यू देखने को मिले वो काफ़ी अच्छे हैं। तो आइए दोस्तों ऑडियंस रिव्यू की अपन बात करते हैं। आई पुसेड माई सेल्फ टू फिनिश दिस मूवी आफ्टर 3 अटैम्प्ट, ओनली वन रिकमेंडेशन इफ यू आर हियर फॉर ए रिव्यू बिफोर डिसाइडिंग वेदर दिस मूवी इज़ वर्थ टू वॉच, प्लीज़ वॉच द ओरिजिनल वन विच हैज़ इमिली ब्रंट इट इन इट। दिस वन विथ प्रणीति चोपड़ा इज जस्ट लाइक माई अदर प्रियंका चोपड़ाज मूवी नाउ। I show the English one in theaters expecting a gone girl as that was how it was promoted but wasn't as good but was still okay. After I watched this Parineeti Chopra attempt that one appears Oscar worthy. Parineeti Chopra has overreacted the hell of an alcoholic, there is nothing subtle about it, and this movie is basically teaching us that you should not trust anybody by their current behavior and do not fall in love with some bad person with is going to stab you, and the great thrill and mystery will be good for any thriller movie lover. The touch of time showing in the movie will thrill you. And just watched my mystery and thrillers package movie. The trailer was not so interesting, but the movie is unique. And this is little bit different from the Hollywood one, which starred Emily Brunt in lead. And this one starring Parineeti Chopra is lead is wonderful, and the Hollywood one was also excellent. I was not a big fan of Parineeti until I watched this film. It starts with the flashback of Parineeti's perfect life, which was ruined by some reasons. And she entirely blamed himself for being into the drastic situations and become alcoholic until she realized not always what we see in this reality. And I don't want to be a snoob and condemn the movie outright, and because it was an interesting watch. Being a crazy fan of the book by Paula Hawkins and the Emily Brunt film, I come to this movie with great experience and hoping to watch a remake through the eyes of an Indian writer director. It was a fine watch. Honestly, I did not keep every high expectation because I am very well know that Bollywood is not capable to churning out good thrillers. Taking about the good points, well, the locations are nice. You get to see a lot of London. Brilliant. This is how a spoof should be written and directed. Best enjoyed with a group of friends and some drinks. And hats off to Ribu Dasgupta for
रिमेजनिंग ए बेस्ट सेलिंग नॉवल्स, पुटिंग एवर एंड पोला हॉकिंस टू सेम एंड सम वेरी फाइन एक्टर्स हु प्रोड्यूस सो मच हार्म दैट कैन फीड ए स्मॉल कंट्री. इफ यू डिड नॉट रीड द बुक और वॉच ओल्ड वन, इट्स वर्थ वॉचिंग. ऑल कैरेक्टर्स आर क्लियरली फ्लेव्ड. प्रणीति चोपड़ा, कीर्ति कुल्हारी एंड अदिति राव ऑल डिड ग्रेट एफर्ट्स टू मेक इट ब्यूटिफुल. इवन आई वुड से ऑल द टीम इंक्लूडिंग मेकअप आर्टिस्ट डिड ए ग्रेट जॉब. एंड डायरेक्टर्स रिबू दासगुप्ता, कास्ट प्रणीति चोपड़ा, अदिति राव हैदरी एंड कीर्ति कुल्हारी, अविनाश तिवारी. एंड यू नो द फीलिंग वी गेट द डे बिफोर एन एग्जाम व्हेन वी फ्लिप थ्रो द पेज इन ए हरी टू स्कीम थ्रो ऑल ऑफ द कंटेंट इन एन अटेम्प्ट टू कवर एवरीथिंग. दिस गर्ल ऑन द ट्रेन रिव्यू. एंड आई वॉच्ड द मूवी यस्टरडे. आई हैड नॉट रीड द नॉवल आइदर. शो द ओरिजिनल मूवी. एंड सो आई हैड नो क्लू अबाउट द प्लॉट. आफ्टर वॉचिंग द मूवी होनेस्टली आई डिड नॉट लव द स्क्रिप्ट एट ऑल. एंड सस्पेंस थ्रिलर वेरी नाइस. एंड द स्टोरी ऑफ ए वंडर्ड वूमेन हु इज फैंटिसाइज्ड बाय अनदर वूमेन्स लव लाइफ टेक सम नॉन कैलकुलेटिव स्टेप्स ऑन ए शॉकिंग डे विच चेंज्ड हर लाइफ फॉर द वर्स्ट. लेटर रियलाइज द वेव ऑफ मैजिक शी इज वेव्ड अराउंड. प्रणीति चोपड़ा एंड एट हर बेस्ट हर परफॉर्मेंस रिमाइंड ऑफ लेडीज वर्सेज रिक्की बहल. ओके. द गर्ल ऑन द ट्रेन विच रिलीज रिसेंटली ऑन नेटफ्लिक्स लिटरली सम्स अप ऑफ हाउ हॉलीवुड एंड बॉलीवुड वर्क्स. हॉलीवुड पिक्स अप ए बुक क्रिएट्स ए स्क्रीन प्ले टू मैच इट एंड मेक द मूवी विच रीजबल द बुक क्लोजली. वेयर एज बॉलीवुड सिंपली रिमार्क्स इट वाइल एडिंग फ्यू सॉन्ग्स एंड टेम्परिंग. मूवी वॉज एंगेजिंग इन इंटरवेल्स बट प्रणीति इज ए ट्रीट टू द आईज. द इमोशनल पोर्ट्रेट कम ऑफ ए जेन्युइन एंड एब्जॉर्ब यू इनटू द प्रोसीडिंग्स क्वाइट इफेक्टिवली. एंड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ हर एक्टिंग एंड स्किल्स. एंड अविनाश तिवारी, कीर्ति कुल्हारी एंड अदिति राव आर इक्वली गुड टू वॉच. एंड प्रणीति कुड नॉट गेट इन टू द कैरेक्टर एंड जस्ट एक्टेड ऑन एंड ऑफ द दैट मीरा कपूर कैरेक्टर्स. आई थिंक पुटिंग ऑन डार्कर एंड थिकर मास्करा एंड वेरी नाइस मूवी. इट वॉज ए प्रिटी गुड मूवी. द बेस्ट पार्ट ऑफ वॉज वेन दे चेंज्ड हर एंडिंग फ्रॉम द ओरिजिनल वन. ए बिट क्लिंच वन दो बट स्टिल फॉर एवरी वन हु इज ऑलरेडी वॉचेड एंड ऑलरेडी द गर्ल ऑन द ट्रेन एंड हु वुड बी ऑलरेडी नोइंग द एंटायर प्लॉट. And glad that they didn't added their own stuff into the movie and keep the story as intact as the original one. Not bad, quite good attempt to adapt a masterpiece like this and not running it like past other movies. Praniti is best till date and Aditi looks graceful and Kirti portrayed well. And being a fan of Praniti ma'am myself, this story was a completely
एंड कम्प्लीटेड वन बट ऑनेस्टली सेइंग इट इज़ ब्रिलियंट द स्टोरी इज क्विट कॉम्प्लिकेटेड एंड द अमाउंट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स विच दिस स्टोरी टुक इज जस्ट एक्सलेंट ऑल द अदर एक्टर्स वर आल्सो वेरी गुड बट परिणीति मैम्स एंडिंग पार्ट इज़ वेरी वेरी नाइस। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बॉलीवुड में रिलीज़ हुई 2021 की बहुत ही शानदार, जी हाँ दोस्तों, द गर्ल ऑन द ट्रेन, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी बताई जा रही है और इसके रिव्यू भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं, उसका ऑडियंस रिव्यू आज हम देखने जा रहे हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों इसी तरह की अपडेट पाने के लिए भी चैनल के बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो आइए दोस्तों आज हम इस मूवी के बारे में बात करते हैं। इसमें स्टार कास्ट की बात करें तो परिणीति चोपड़ा, जैकलिन फर्नांडिस, अविनाश तिवारी और कीर्ति कुल्हारी और ईशिता दत्ता, इन्होंने जो काम किया है वो काफ़ी सराहनीय है और मूवी के जो रिव्यू देखने को मिले वो काफ़ी अच्छे हैं। तो आइए दोस्तों ऑडियंस रिव्यू की अपन बात करते हैं। आई पुसेड माई सेल्फ टू फिनिश दिस मूवी आफ्टर 3 अटैम्प्ट, ओनली वन रिकमेंडेशन इफ यू आर हियर फॉर ए रिव्यू बिफोर डिसाइडिंग वेदर दिस मूवी इज़ वर्थ टू वॉच, प्लीज़ वॉच द ओरिजिनल वन विच हैज़ इमिली ब्रंट इट इन इट। दिस वन विथ प्रणीति चोपड़ा इज जस्ट लाइक माई अदर प्रियंका चोपड़ाज मूवी नाउ। I show the English one in theaters expecting a gone girl as that was how it was promoted but wasn't as good but was still okay after I watched this Parniti Chopra attempt that one appears Oscar worthy. Parniti Chopra has overreacted the hell of an alcoholic, there is nothing subtle about it and this movie is basically teaching us that you should not trust anybody by their current behavior and do not fall in love with some bad person with is going to stab you and the great thrill and mystery will be good for any thriller movie lover. The touch of time showing in the movie will thrill you and just watched my mystery and thrillers package movie. The trailer was not so interesting but the movie is unique and this is little bit different from the Hollywood one which starred Emily Brunt in lead and this one starring Parniti Chopra is lead is wonderful and the Hollywood one was also excellent. I was not a big fan of Parniti until I watched this film. It starts with the flashback of Parniti's perfect life which was ruined by some reasons and she entirely blamed himself for being into the drastic situations and become alcoholic until she realized not always what we see in this reality and I don't want to be a snoob and condemn the movie outright and because it was an interesting watch. Being a crazy fan of the book by Paula Hawkins and the Emily Brunt film, I come to this movie with great experience and hoping to watch a remake through the eyes of an Indian writer director. It was a fine watch. Honestly, I did not keep every high expectation because I am very well know that Bollywood is not capable to churning out good thrillers. Taking about the good points, well, the locations are nice. You get
टू सी यू ए लॉट ऑफ लंडन ब्रिलियंट दिस इज हाउ ए स्पूफ शुड बी रिटन एंड डायरेक्टेड बेस्ट एंजॉयड विथ ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एंड सम ड्रिंक्स एंड हैट्स ऑफ टू रिबू दास गुप्ता फॉर रिमेजनिंग ए बेस्ट सेलिंग नॉवल्स पुटिंग एवर एंड पोला हॉकिंस टू सैम एंड सैम वेरी फाइन एक्टर्स हु प्रोड्यूस सो मच हार्म दैट कैन फीड ए स्मॉल कंट्री इफ यू डिड नॉट रीड द बुक और वॉच ओल्ड वन इट्स वर्थ वॉचिंग ऑल कैरेक्टर्स आर क्लियरली फ्लेव्ड प्रणीति चोपड़ा कीर्ति कुल्हारी एंड अदिति राव ऑल डिड ग्रेट एफर्ट्स टू मेक इट ब्यूटिफुल इवन आई वुड से ऑल द टीम इंक्लूडिंग मेकअप आर्टिस्ट डिड ए ग्रेट जॉब एंड डायरेक्टर्स रिबू दास गुप्ता कास्ट प्रणीति चोपड़ा अदिति राव हैदरी एंड कीर्ति कुल्हारी अविनाश तिवारी एंड यू नो द फीलिंग वी गेट द डे बिफोर एन एग्जाम व्हेन वी फ्लिप थ्रो द पेज इन ए हरी टू स्कीम थ्रो ऑल ऑफ द कंटेंट इन एन अटेम्प्ट टू कवर एवरीथिंग दिस गर्ल ऑन द ट्रेन रिव्यू एंड आई वॉच्ड द मूवी यस्टरडे आई हैड Not read the novel either show the original movie and so I had no clue about the plot after watching the movie honestly I did not love the script at all and suspense thriller very nice and the story of a wandered woman who is fantasized by another woman's love life takes some non-calculative steps on a shocking day which changed her life for the worst later realize the web of magic she's weaved around Priniti Chopra and at her best her performance remind of ladies versus रिकी बहल ओके द गर्ल ऑन द ट्रेन विच रिलीज रिसेंटली ऑन नेटफ्लिक्स लिटरली सम्स अप ऑफ हाउ हॉलीवुड एंड बॉलीवुड वर्क्स हॉलीवुड पिक्स अप ए बुक क्रिएट्स ए स्क्रीन प्ले टू मैच इट एंड मेक द मूवी विच रीजबल द बुक क्लोजली Whereas Bollywood simply remarks it while adding few songs and tampering. Movie was engaging in intervals, but Praniti is a treat to the eyes. The emotional portrayed come off as genuine and absorb you into the proceedings. Quite effectively and full utilization of her acting and skills and Avinash Tiwari, Kirti Kulhari and Aditi Rao are equally good to watch and Praniti could not get into the character and just acted on and off that Meera Kapoor characters. I think putting on darker and ठीकर मास्करा एंड वेरी नाइस मूवी इट वॉज ए प्रिटी गुड मूवी द बेस्ट पार्ट ऑफ वॉज वेन दे चेंज्ड हर एंडिंग फ्रॉम द ओरिजिनल वन ए बिट क्लिंच वन दो बट स्टिल फॉर एवरी वन हु इज ऑलरेडी वॉचेड एंड ऑलरेडी द गर्ल ऑन द ट्रेन एंड हु वुड बी ऑलरेडी नोइंग द एंटायर प्लॉट And glad that they didn't added their own stuff into the movie and keep the story as intact as the original one. Not bad, quite good attempt to adapt a masterpiece like this and not
रनिंग इट लाइक पास्ट अदर मूवीज, प्रणीति इज बेस्ट टिल डेट एंड अदिति लुक्स ग्रेसफुल एंड कीर्ति पोर्ट्रेड वेल एंड बींग ए फैन ऑफ प्रणीति मैम माई सेल्फ दिस स्टोरी वॉज ए कम्प्लीटली एंड कम्प्लिकेटेड वन बट ऑनेस्टली सेइंग इट इज ब्रिलियंट द स्टोरी इज क्विट कॉम्प्लिकेटेड एंड द अमाउंट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स विच दिस स्टोरी टुक इज जस्ट एक्सलेंट ऑल द अदर एक्टर्स वर ऑल्सो वेरी गुड बट प्रणीति मैम्स एंडिंग पार्ट इज़ वेरी वेरी नाइस। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बॉलीवुड में रिलीज़ हुई 2021 की बहुत ही शानदार, जी हाँ दोस्तों, द गर्ल ऑन द ट्रेन, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी बताई जा रही है और इसके रिव्यू भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं, उसका ऑडियंस रिव्यू आज हम देखने जा रहे हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों इसी तरह के अपडेट पाने के लिए भी चैनल के बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो आइए दोस्तों आज हम इस मूवी के बारे में बात करते हैं। इसमें स्टार कास्ट की बात करें तो परिणीति चोपड़ा, जैकलिन फर्नांडिस, अविनाश तिवारी और कीर्ति कुल्हारी और ईशिता दत्ता, इन्होंने जो काम किया है वो काफ़ी सराहनीय है और मूवी के जो रिव्यू देखने को मिले वो काफ़ी अच्छे हैं। तो आइए दोस्तों ऑडियंस रिव्यू की अपन बात करते हैं। आई पुशेड माई सेल्फ टू फिनिश दिस मूवी आफ्टर 3 अटेम्प्ट, ओनली वन रिकमेंडेशन इफ़ यू आर हियर फॉर ए रिव्यू बिफोर डिसाइडिंग वेदर दिस मूवी इज़ वर्थ टू वॉच, प्लीज़ वॉच द ओरिजिनल वन विच हैज़ इमिली ब्रंट इट इन इट। दिस वन विथ प्रणीति चोपड़ा इज जस्ट लाइक माई अदर प्रियंका चोपड़ाज मूवी नाउ। I show the English one in theaters expecting a gone girl as that was how it was promoted but wasn't as good but was still okay. After I watched this Praniti Chopra attempt that one appears Oscar worthy. Praniti Chopra has overreacted the hell of an alcoholic, there is nothing subtle about it and this movie is basically teaching us that you should not trust anybody by their current behavior and do not fall in love with some bad person with is going to step you and the great thrill and mystery will be good for any thriller movie lover. The touch of time showing in the movie will thrill you and just watched my mystery and thrillers package movie. The trailer was not so interesting but the movie is unique and this is little bit different from the Hollywood one which starred Emily Brunt in lead and this one starring Praniti Chopra is lead is wonderful and the Hollywood one was also excellent. I was not a big fan of Praniti until I watched this film. It starts with the flashback of Praniti's perfect life which was ruined by some reasons and she entirely blamed himself for being into the drastic situations and become alcoholic until she realized not always what we see in this reality and I don't want to be a snoob and condemn the movie outright and because it was an interesting watch. Being a crazy fan of the book by Paula Hawkins and the Emily Brunt film, I come to this movie with great experience and hoping to watch a remake through the eyes of an Indian writer director.
इट वॉज़ ए फाइन वॉच ऑनेस्टली आई डिड नॉट कीप एवरी हाई एक्सपेक्टेशन बिकॉज आई एम वेरी वेल नो दैट बॉलीवुड इज़ नॉट कैपेबल टू चर्निंग आउट गुड थ्रिलर्स टेकिंग अबाउट द गुड पॉइंट्स वेल द लोकेशंस आर नाइस यू गेट टू सी यू ए लॉट ऑफ लंडन ब्रिलियंट दिस इज हाउ ए स्पूफ शुड बी रिटन एंड डायरेक्टेड बेस्ट एंजॉयड विथ ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एंड सम ड्रिंक्स एंड हैट्स ऑफ टू रिबू दासगुप्ता फॉर रिमेजनिंग ए बेस्ट सेलिंग नॉवल्स पुटिंग एवर एंड पोला हॉकिंस टू सैम एंड सैम वेरी फाइन एक्टर्स हु प्रोड्यूस सो मच हार्म दैट कैन फीड ए स्मॉल कंट्री इफ यू डिड नॉट रीड द बुक और वॉच ओल्ड वन इट्स वर्थ वॉचिंग ऑल कैरेक्टर्स आर क्लियरली फ्लेव्ड प्रणीति चोपड़ा कीर्ति कुल्हारी एंड अदिति राव ऑल डिड ग्रेट एफर्ट्स टू मेक इट ब्यूटिफुल इवन आई वुड से ऑल द टीम इंक्लूडिंग मेकअप आर्टिस्ट डिड ए ग्रेट जॉब एंड डायरेक्टर्स रिबू दासगुप्ता कास्ट प्रणीति चोपड़ा अदिति राव हैदरी एंड कीर्ति कुल्हारी अविनाश तिवारी एंड यू नो द फीलिंग वी गेट द डे बिफोर एन एग्जाम व्हेन वी फ्लिप थ्रू द पेज इन ए हरी टू स्कीम थ्रो ऑल ऑफ द कंटेंट इन एन अटेम्प्ट टू कवर एवरीथिंग दिस गर्ल ऑन द ट्रेन रिव्यू एंड आई वॉच्ड द मूवी यस्टरडे आई हैड not read the novel either show the original movie and so I had no clue about the plot after watching the movie honestly I did not love the script at all and suspense thriller very nice and the story of a wounded woman who is fantasized by another woman's love life takes some non-calculative steps on a shocking day which changed her life for the worst later realizes the web of magic she is webbed around Priniti Chopra and at her best her performance remind of ladies versus Ricky Bahl okay the girl on the train which released recently on Netflix literally sums up of how Hollywood and Bollywood works Hollywood picks up a book creates a screenplay to match it and make the movie which resembles the book closely whereas Bollywood simply remarks it while adding few songs and tampering movie was engaging in intervals but Praniti is a treat to the eyes the emotional portrayed come off as genuine and absorb you into the proceedings quite effectively and full utilization of her acting and skills and Avinash Tiwari, Kirti Kulhari and Aditi Rao are equally good to watch and Praniti could not get into the character and just acted on and off that Meera Kapoor characters. I think putting on darker and ticker mascara and a very nice movie it was a pretty good movie the best part of was when they changed her ending from the original one a bit clinch one though but still for everyone who's already watched and already the girl on the train
एंड हु वुड बी ऑलरेडी नोइंग द एंटायर प्लॉट एंड ग्लेड दैट दे डिडेंट एडेड दियर ओन स्टफ इन टू द मूवी एंड कीप द स्टोरी एज इंटेंट इंटैक्ट एज द ओरिजिनल वन नॉट बैड क्विट गुड अटेम्प्ट टू रिडेप्ट ए मास्टर पीस लाइक दिस एंड नॉट रनिंग इट लाइक पास्ट अदर मूवीज प्रणीति इज बेस्ट टिल डेट एंड अदिति लुक्स ग्रेसफुल एंड कीर्ति पोर्ट्रेड वेल एंड बींग ए फैन ऑफ प्रणीति मैम माई सेल्फ दिस स्टोरी वॉज ए कम्प्लीटली एंड कम्प्लिकेटेड वन बट ऑनेस्टली सेइंग इट इज ब्रिलियंट द स्टोरी इज क्विट कॉम्प्लिकेटेड एंड द अमाउंट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स विच दिस स्टोरी टुक इज जस्ट एक्सलेंट ऑल द अदर एक्टर्स वर आल्सो वेरी गुड बट प्रणीति मैम्स एंडिंग पार्ट इज वेरी वेरी नाइस। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बॉलीवुड में रिलीज हुई 2021 की बहुत ही शानदार, जी हाँ दोस्तों, द गर्ल ऑन द ट्रेन, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी बताई जा रही है और इसके रिव्यू भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं, उसका ऑडियंस रिव्यू आज हम देखने जा रहे हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों इसी तरह के अपडेट पाने के लिए भी चैनल के बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो आइए दोस्तों आज हम इस मूवी के बारे में बात करते हैं। इसमें स्टार कास्ट की बात करें तो परिणीति चोपड़ा, जैकलिन फर्नांडिस, अविनाश तिवारी और कीर्ति कुल्हारी और इशिता दत्ता, इन्होंने जो काम किया है वो काफ़ी सराहनीय है और मूवी के जो रिव्यू देखने को मिले वो काफ़ी अच्छे हैं। तो आइए दोस्तों ऑडियंस रिव्यू की अपन बात करते हैं। आई पुसेड माई सेल्फ टू फिनिश दिस मूवी आफ्टर 3 अटेम्प्ट ओनली वन रिकमेंडेशन इफ़ यू आर हियर फॉर ए रिव्यू बिफोर डिसाइडिंग वेदर दिस मूवी इज़ वर्थ टू वॉच प्लीज़ वॉच द ओरिजिनल वन विच हैज़ इमिली ब्रंट इट इन इट। दिस वन विथ प्रणीति चोपड़ा इज जस्ट लाइक माई अदर प्रियंका चोपड़ाज मूवी नाउ। I show the English one in theaters expecting a gone girl as that was how it was promoted but wasn't as good but was still okay. After I watched this Praniti Chopra attempt that one appears Oscar worthy. Praniti Chopra has overreacted the hell of an alcoholic. There is nothing subtle about it. And this movie is basically teaching us that you should not trust anybody by their current behavior and do not fall in love with some bad person which is going to stab you. And the great thrill and mystery will be good for any thriller movie lover. The touch of time showing in the movie will thrill you. And just watched my mystery and thrillers package movie. The trailer was not so interesting but the movie is unique and this is little bit different from the Hollywood one which starred Emily Brunt in lead. And this one starring Praniti Chopra is lead is wonderful and the Hollywood one was also excellent. I was not a big fan of Praniti until I watched this film. It starts with the flashback of Praniti's perfect life which was ruined by some reasons. And she entirely blamed himself for being into the drastic situations and become alcoholic until she realized not always what we see in this reality. And I don't want to be a snoob and condemn the movie outright and
बिकॉज इट वॉज एन इंटरेस्टिंग वॉच बींग ए क्रेजी फैन ऑफ द बुक बाय कोला हॉकिंस एंड द एमेनी ब्रंट फिल्म आई कम टू दिस मूवी विथ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड होपिंग टू वॉच ए रीमेक थ्रू द आईज ऑफ एन इंडियन राइटर डायरेक्टर्स. इट वॉज ए फाइन वॉच. ऑनेस्टली आई डिड नॉट कीप एवरी हाई एक्सपेक्टेशन बिकॉज आई एम वेरी वेल नो दैट बॉलीवुड इज नॉट कैपेबल टू चर्निंग आउट गुड थ्रिलर्स. टेकिंग अबाउट द गुड पॉइंट्स वेल द लोकेशंस आर नाइस. यू गेट टू सी यू ए लॉट ऑफ लंडन. ब्रिलियंट. दिस इज हाउ ए स्पूफ शुड बी रिटन एंड डायरेक्टेड. बेस्ट एंजॉयड विथ ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एंड सम ड्रिंक्स. एंड हैट्स ऑफ टू रिबू दासगुप्ता फॉर रिमेजनिंग ए बेस्ट सेलिंग नॉवल्स. पुटिंग एवर एंड पोला हॉकिंस टू सैम एंड सैम वेरी फाइन एक्टर्स हु प्रोड्यूस सो मच हार्म दैट कैन फीड ए स्मॉल कंट्री. इफ यू डिड नॉट रीड द बुक और वॉच ओल्ड वन इट्स वर्थ वॉचिंग. ऑल कैरेक्टर्स आर क्लियरली फ्लेव्ड. प्रणीति चोपड़ा, कीर्ति कुल्हारी एंड अदिति राव ऑल डिड ग्रेट एफर्ट्स टू मेक इट ब्यूटिफुल. इवन आई वुड से ऑल द टीम इंक्लूडिंग मेकअप आर्टिस्ट डिड ए ग्रेट जॉब. एंड डायरेक्टर्स रिबू दासगुप्ता. कास्ट प्रणीति चोपड़ा, अदिति राव, हैदरी एंड कीर्ति कुल्हारी, अविनाश तिवारी. एंड यू नो द फीलिंग वी गेट द डे बिफोर एन एग्जाम व्हेन वी फ्लिप थ्रू द पेज इन ए हरी टू स्कीम थ्रू ऑल ऑफ द कंटेंट इन एन अटेम्प्ट टू कवर एवरीथिंग. दिस गर्ल ऑन द ट्रेन रिव्यू. एंड आई वॉच्ड द मूवी यस्टरडे. आई हैड not read the novel either, show the original movie, and so I had no clue about the plot. After watching the movie, honestly, I did not love the script at all. And suspense thriller, very nice. And the story of a wondered woman who is fantasized by another woman's love life takes some non-calculative steps on a shocking day which changed her life for the worst. Later realize the web of magic she is webbed around. Priniti Chopra and at her best, her performance remind of Ladies versus Ricky Bahl. Okay. The Girl on the Train, which released recently on Netflix, literally sums up of how Hollywood and Bollywood works. Hollywood picks up a book, creates a screenplay to match it and make the movie, which resembles the book closely. Whereas Bollywood simply remarks it while adding few songs and tampering. Movie was engaging in intervals, but Praniti is a treat to the eyes. The emotional portrayed come off as genuine and absorb you into the proceedings quite effectively. And full utilization of her acting and skills, and Avinash Tiwari, Kirti Kulhari and Aditi Rao are equally good to watch. And Praniti could not get into the character and just acted on and off that Meera Kapoor characters. I think putting on darker and
चीकर, मास्करा एंड ए वेरी नाइस मूवी। इट वॉज ए प्रिटी गुड मूवी। द बेस्ट पार्ट ऑफ वॉज वेन दे चेंज्ड हर एंडिंग फ्रॉम द ओरिजिनल वन। ए बिट क्लिंच वन दो बट स्टिल फॉर एवरी वन हुज ऑलरेडी वॉचड एंड ऑलरेडी द गर्ल ऑन द ट्रेन एंड हु वुड बी ऑलरेडी नोइंग द एंटायर प्लॉट एंड ग्लेड दैट दे डिडेंट एडेड दियर ओन स्टफ इन टू द मूवी एंड कीप द स्टोरी एज इंटेंट इंटैक्ट एज द ओरिजिनल वन। नॉट बैड क्विट गुड अटेम्प्ट टू रिडेप्ट ए मास्टर पीस लाइक दिस एंड नॉट रनिंग इट लाइक पास्ट अदर मूवीज। प्रणीति इज बेस्ट टिल डेट एंड अदिति लुक्स ग्रेसफुल एंड कीर्ति पोर्ट्रेड वेल एंड बींग ए फैन ऑफ प्रणीति मैम माई सेल्फ दिस स्टोरी वॉज ए कम्प्लीटली एंड कम्प्लीटेड वन बट ऑनेस्टली सेइंग इट इज ब्रिलियंट। द स्टोरी इज क्विट कॉम्प्लिकेटेड एंड द अमाउंट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स विच दिस स्टोरी टुक इज जस्ट एक्सलेंट। ऑल द अदर एक्टर्स वर आल्सो वेरी गुड बट प्रणीति मैम्स एंडिंग पार्ट इज वेरी वेरी नाइस। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बॉलीवुड में रिलीज हुई 2021 की बहुत ही शानदार, जी हाँ दोस्तों, द गर्ल ऑन द ट्रेन, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी बताई जा रही है और इसके रिव्यू भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं, उसका ऑडियंस रिव्यू आज हम देखने जा रहे हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों इसी तरह की अपडेट पाने के लिए भी चैनल के बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो आइए दोस्तों आज हम इस मूवी के बारे में बात करते हैं। इसमें स्टार कास्ट की बात करें तो परिणीति चोपड़ा, जैकलिन फर्नांडिस, अविनाश तिवारी और कीर्ति कुल्हारी और ईशिता दत्ता, इन्होंने जो काम किया है वो काफ़ी सराहनीय है और मूवी के जो रिव्यू देखने को मिले वो काफ़ी अच्छे हैं। तो आइए दोस्तों ऑडियंस रिव्यू की अपन बात करते हैं। आई पुशेड माई सेल्फ टू फिनिश दिस मूवी आफ्टर 3 अटेम्प्ट्स। ओनली वन रिकमेंडेशन इफ यू आर हियर फॉर ए रिव्यू बिफोर डिसाइडिंग वेदर दिस मूवी इज वर्थ टू वॉच, प्लीज वॉच द ओरिजिनल वन विच हैज़ इमिली ब्रंट इट इन इट। दिस वन विथ प्रणीति चोपड़ा इज जस्ट लाइक माई अदर प्रियंका चोपड़ाज मूवी नाउ। आई शो द इंग्लिश वन इन थिएटर्स एक्सपेक्टिंग ए गॉन गर्ल एज दैट वॉज हाउ इट वॉज प्रमोटेड बट वॉजंट एज गुड बट वॉज स्टिल ओके। आफ्टर आई वॉचड दिस प्रणीति चोपड़ा अटैम्प्ट दैट वन अपियर्स ऑस्कर वर्थी। प्रणीति चोपड़ा हैज़ ओवर रिएक्टेड द हेल ऑफ एन एल्कोहलिक, देर इज नथिंग सबस्ट अबाउट इट एंड दिस मूवी इज बेसिकली टीचिंग अस दैट यू शुड नॉट ट्रस्ट एनी बडी बाई दियर करंट बिहेवियर एंड डू नॉट फॉल इन लव विथ सम बैड पर्सन विथ इज गोइंग टू स्टेप यू एंड द ग्रेट थ्रिल एंड मिस्ट्री विल बी गुड फॉर एनी थ्रिलर मूवी लवर। द टच ऑफ टाइम शोइंग इन द मूवी विल थ्रिल यू एंड जस्ट वॉचड माई मिस्ट्री एंड थ्रिलर्स पैकेज मूवी। द ट्रेलर वॉज नॉट सो इंटरेस्टिंग बट द मूवी इज यूनिक एंड दिस इज लिटल बिट डिफरेंट फ्रॉम द हॉलीवुड वन विच स्टारेड इमिली ब्रंट इन लीड एंड दिस वन स्टारिंग प्रणीति चोपड़ा इज लीड इज वंडरफुल एंड द हॉलीवुड वन वॉज ऑल्सो एक्सलेंट। आई वॉज नॉट ए बिग फैन ऑफ प्रणीति अंटिल आई वॉचड दिस फिल्म। इट स्टार्ट्स विथ द फ्लैशबैक ऑफ प्रणीति'स परफेक्ट लाइफ विच वॉज रनेड बाय सम रीजन्स
एंड सी एंटायरली ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर बीइंग इनटू द ड्रास्टिक सिचुएशंस एंड बिकम अल्कोहलिक अंटिल सी रियलाइज नॉट ऑलवेज व्हाट वी सी इन दिस रियलिटी एंड आई डोंट वांट टू बी ए सनूब एंड कंडन द मूवी आउटराइट एंड बिकॉज इट वॉज एन इंटरेस्टिंग वॉच बींग ए क्रेजी फैन ऑफ द बुक बाय कोला हॉकिंस एंड द एमेनी ब्रेंट फिल्म आई कम टू दिस मूवी विथ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड होपिंग टू वॉच ए रीमेक थ्रू द आईज ऑफ एन इंडियन राइटर डायरेक्टर्स It was a fine watch. Honestly, I did not keep every high expectation because I am very well know that Bollywood is not capable to churning out good thrillers. Taking about the good points, well, the locations are nice. You get to see a lot of London. Brilliant. This is how a spoof should be written and directed. Best enjoyed with a group of friends and some drinks. And hats off to Ribu Dasgupta for reimagining a best-selling novel, putting Ever and Paula Hawkins to shame, and some very fine actors who produce so much harm that can feed a small country. If you did not read the book or watch old one, it's worth watching. All characters are clearly flawed. Priniti Chopra, Kirti Kulhari and Aditi Rao all did great efforts to make it beautiful. Even I would say all the team including makeup artist did a great job. And directors Ribu Dasgupta, cast Praniti Chopra, Aditi Rao, Hedri and Kirti Kulhari, Avinash Tiwari. And you know the feeling we get the day before an exam when we flip through the page in a hurry to skim through all of the content in an attempt to cover everything. This girl on the train review, and I watched the movie yesterday. I had not read the novel either, show the original movie, and so I had no clue about the plot. After watching the movie, honestly, I did not love the script at all. And suspense thriller, very nice. And the story of a wounded woman who is fantasized by another woman's love life takes some non-calculative steps on a shocking day, which changed her life for the worst. Later realizes the web of magic she is webbed around. Priniti Chopra, and at her best, her performance remind of Ladies versus Ricky Bahl. Okay, The Girl on the Train, which released recently on Netflix, literally sums up of how Hollywood and Bollywood works. Hollywood picks up a book, creates a screenplay to match it and make the movie, which resembles the book closely, whereas Bollywood simply remarks it while adding few songs and tampering. Movie was engaging in intervals, but Praniti is a treat to the eyes. The emotional portrayed come off as genuine and absorb you into the proceedings quite effectively.
एंड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ हर एक्टिंग एंड स्किल्स एंड अविनाश तिवारी, कीर्ति कुल्हारी एंड अदिति राव आर इक्वली गुड टू वॉच एंड प्रणीति कुड नॉट गेट इन टू द कैरेक्टर एंड जस्ट एक्टेड ऑन एंड ऑफ द दैट मीरा कपूर कैरेक्टर्स. आई थिंक पुटिंग ऑन डार्कर एंड थिकर मास्करा एंड वेरी नाइस मूवी. इट वॉज ए प्रिटी गुड मूवी. द बेस्ट पार्ट ऑफ वॉज वेन दे चेंज्ड हर एंडिंग फ्रॉम द ओरिजिनल वन. ए बिट क्लिंच वन दो बट स्टिल फॉर एवरी वन हु इज ऑलरेडी वॉचड एंड ऑलरेडी द गर्ल ऑन द ट्रेन एंड हु वुड बी ऑलरेडी नोइंग द एंटायर प्लॉट एंड ग्लेड दैट दे डिडेंट एडेड दियर ओन स्टफ इन टू द मूवी एंड कीप द स्टोरी एज इंटेंट इंटैक्ट एज द ओरिजिनल वन. नॉट बैड क्विट गुड अटेम्प्ट टू रिडेप्ट ए मास्टर पीस लाइक दिस एंड नॉट रनिंग इट लाइक पास्ट अदर मूवीज. प्रणीति इज बेस्ट टिल डेट एंड अदिति लुक्स ग्रेसफुल एंड कीर्ति पोर्ट्रेड वेल एंड बींग ए फैन ऑफ प्रणीति मैम माई सेल्फ दिस स्टोरी वॉज ए कम्प्लीटली एंड कम्प्लीटेड वन बट ऑनेस्टली सेइंग इट इज ब्रिलियंट. द स्टोरी इज क्विट कॉम्प्लिकेटेड एंड द अमाउंट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स विच दिस स्टोरी टुक इज जस्ट एक्सलेंट. ऑल द अदर एक्टर्स वर आल्सो वेरी गुड बट प्रणीति मैम्स एंडिंग पार्ट इज वेरी वेरी नाइस. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल. दोस्तों आज हम बॉलीवुड में रिलीज हुई 2021 की बहुत ही शानदार, जी हाँ दोस्तों, द गर्ल ऑन द ट्रेन, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी बताई जा रही है और इसके रिव्यू भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं, उसका ऑडियंस रिव्यू आज हम देखने जा रहे हैं. दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें. दोस्तों इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल के बेल आइकन को ऑन कर लीजिए. तो आइए दोस्तों आज हम इस मूवी के बारे में बात करते हैं. इसमें स्टार कास्ट की बात करें तो परिणीति चोपड़ा, जैकलिन फर्नांडिस, अविनाश तिवारी और कीर्ति कुल्हारी और ईशिता दत्ता, इन्होंने जो काम किया है वो काफ़ी सराहनीय है और मूवी के जो रिव्यू देखने को मिले वो काफ़ी अच्छे हैं. तो आइए दोस्तों ऑडियंस रिव्यू की अपन बात करते हैं. आई पुशेड माई सेल्फ टू फिनिश दिस मूवी आफ्टर 3 अटेम्प्ट्स. ओनली वन रिकमेंडेशन इफ यू आर हियर फॉर ए रिव्यू बिफोर डिसाइडिंग वेदर दिस मूवी इज वर्थ टू वॉच, प्लीज वॉच द ओरिजिनल वन विच हैज़ इमिली ब्रंट इट इन इट. दिस वन विथ प्रणीति चोपड़ा इज जस्ट लाइक माई अदर प्रियंका चोपड़ाज मूवी नाउ. आई शो द इंग्लिश वन इन थिएटर्स एक्सपेक्टिंग ए गॉन गर्ल एज दैट वॉज हाउ इट वॉज प्रमोटेड बट वॉजंट एज गुड बट वॉज स्टिल ओके आफ्टर आई वॉचड दिस प्रणीति चोपड़ा अटैम्प्ट दैट वन अपियर्स ऑस्कर वर्थी. प्रणीति चोपड़ा हैज़ ओवर रिएक्टेड द हेल ऑफ एन एल्कोहलिक. देर इज नथिंग सबस्ट अबाउट इट एंड दिस मूवी इज बेसिकली टीचिंग अस दैट यू शुड नॉट ट्रस्ट एनी बडी बाई दियर करंट बिहेवियर एंड डू नॉट फॉल इन लव विथ सम बैड पर्सन विथ इज गोइंग टू स्टेप यू एंड द ग्रेट थ्रिल एंड मिस्ट्री विल बी गुड फॉर एनी थ्रिलर मूवी लवर. द टच ऑफ टाइम शोइंग इन द मूवी विल थ्रिल यू एंड जस्ट वॉचड माई मिस्ट्री एंड थ्रिलर पैकेज मूवी. द ट्रेलर वॉज नॉट सो इंटरेस्टिंग बट द मूवी इज यूनिक एंड दिस इज लिटल बिट डिफरेंट फ्रॉम द हॉलीवुड वन विच स्टारेड इमिली ब्रंट इन लीड एंड दिस वन स्टारिंग
स्टारिंग प्रणीति चोपड़ा इज लीड इज वंडरफुल एंड द हॉलीवुड वन वॉज ऑल्सो एक्सलेंट। आई वॉज नॉट ए बिग फैन ऑफ प्रणीति अंटिल आई वॉचड दिस फिल्म। इट स्टार्ट्स विथ द फ्लैशबैक ऑफ प्रणीतिज परफेक्ट लाइफ विच वॉज रनेड बाय सम रीजन्स एंड सी एंटायरली ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर बींग इन टू द ड्रास्टिक सिचुएशंस एंड बिकम एल्कोहलिक अंटिल सी रियलाइज नॉट ऑलवेज वॉट वी सी इन दिस रियलिटी एंड आई डोंट वॉन्ट टू बी ए स्नूब एंड कंडन द मूवी आउट राइट एंड बिकॉज इट वॉज एन इंटरेस्टिंग वॉच बींग ए क्रेजी फैन ऑफ द बुक बाय कोला हॉकिंस एंड द एमेनी ब्रेंट फिल्म आई कम टू दिस मूवी विथ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड होपिंग टू वॉच ए रीमेक थ्रू द आईज ऑफ एन इंडियन राइटर डायरेक्टर्स। इट वॉज ए फाइन वॉच ऑनेस्टली आई डिड नॉट कीप एवरी हाई एक्सपेक्टेशन बिकॉज आई एम वेरी वेल नो दैट बॉलीवुड इज नॉट कैपेबल टू चर्निंग आउट गुड थ्रिलर्स टेकिंग अबाउट द गुड पॉइंट्स वेल द लोकेशंस आर नाइस यू गेट टू सी यू ए लॉट ऑफ लंडन ब्रिलियंट दिस इज हाउ ए स्पूफ शुड बी रिटन एंड डायरेक्टेड बेस्ट एंजॉयड विथ ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एंड सम ड्रिंक्स एंड हैट्स ऑफ टू रिबू दासगुप्ता फॉर रिमेजनिंग ए बेस्ट सेलिंग नॉवल्स पुटिंग एवर एंड पोला हॉकिंस टू सैम एंड सम वेरी फाइन एक्टर्स हु प्रोड्यूस सो मच हार्म दैट कैन फीड ए स्मॉल कंट्री। इफ यू डिड नॉट रीड द बुक और वॉच ओल्ड वन इट्स वर्थ वॉचिंग ऑल कैरेक्टर्स आर क्लियरली फ्लैवड प्रणीति चोपड़ा कीर्ति कुल्हारी एंड अदिति राव ऑल डिड ग्रेट एफर्ट्स टू मेक इट ब्यूटिफुल इवन आई वुड शेयर ऑल द टीम इंक्लूडिंग मेकअप आर्टिस्ट डिड ए ग्रेट जॉब एंड डायरेक्टर्स रिबू दासगुप्ता कास्ट प्रणीति चोपड़ा अदिति राव हैदरी एंड कीर्ति कुल्हारी अविनाश तिवारी एंड यू नो द फीलिंग वी गेट द डे बिफोर एन एग्जाम व्हेन वी फ्लिप थ्रू द पेज इन ए हरी टू स्कीम थ्रू ऑल ऑफ द कंटेंट इन एन अटेम्प्ट टू cover everything. This girl on the train review and I watched the movie yesterday. I had not read the novel either show the original movie and so I had no clue about the plot. After watching the movie honestly I did not love the script at all and suspense thriller very nice. And the story of a wondered woman who is fantasized by another woman's love life takes some non-calculative steps on a shocking day which changed her life for the worst. Later realizes the web of magic she is webbed around. Priniti Chopra and at her best her performance remind of ladies versus Ricky Bahl. Okay, the girl on the train which released recently on Netflix literally sums up of how Hollywood and Bollywood works. Hollywood picks up a book, creates a screenplay to match it and make the movie which resemble the book closely, whereas Bollywood simply remarks it while
एडिंग फ्यू सॉन्ग्स एंड टेम्परिंग. मूवी वाज एंगेजिंग इन इंटरवेल्स बट प्रणीति इज ए ट्रीट टू द आईज. द इमोशनल पोर्ट्रेट कम ऑफ एज जेन्युइन एंड एब्जॉर्ब यू इनटू द प्रोसीडिंग्स क्वाइट इफेक्टिवली. एंड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ हर एक्टिंग एंड स्किल्स एंड अविनाश तिवारी, कीर्ति कुल्हारी एंड अदिति राव आर इक्वली गुड टू वॉच. एंड प्रणीति कुड नॉट गेट इन टू द कैरेक्टर एंड जस्ट एक्टेड ऑन एंड ऑफ द दैट मीरा कपूर कैरेक्टर्स. आई थिंक पुटिंग ऑन डार्कन एंड थिकर मास्करा एंड वेरी नाइस मूवी. इट वॉज ए प्रिटी गुड मूवी. द बेस्ट पार्ट ऑफ वॉज वेन दे चेंज्ड हर एंडिंग फ्रॉम द ओरिजिनल वन. ए बिट क्लिंच वन दो बट स्टिल फॉर एवरी वन हु इज ऑलरेडी वॉचेड एंड ऑलरेडी द गर्ल ऑन द ट्रेन एंड हु वुड बी ऑलरेडी नोइंग द एंटायर प्लॉट. And glad that they didn't added their own stuff into the movie and keep the story as intact as the original one. Not bad, quite good attempt to adapt a masterpiece like this and not running it like past other movies. Praniti is best till date and Aditi looks graceful and Kirti portrayed well. And being a fan of Praniti ma'am myself, this story was a completely and complicated one, but honestly saying it is brilliant. The story is quite complicated and the amount of twist and turns which this story took is just excellent. All the other actors were also very good, but Praniti ma'am's ending part is very very nice. Namaskar dosto, welcome to our YouTube channel. Dosto, aaj hum Bollywood mein release hui 2021 ki bahut hi shandar, ji haan dosto, The Girl on the Train, jo ki kafi achhi movie batai ja rahi hai aur iske review bhi kafi acche dekhne ko mile hain. Uska audience review aaj hum dekhne ja rahe hain. दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें. दोस्तों, इसी तरह की अपडेट पाने के लिए भी चैनल के बेल आइकन को ऑन कर लीजिए. तो आइए दोस्तों, आज हम इस मूवी के बारे में बात करते हैं. इसमें स्टार कास्ट की बात करें तो परिणीति चोपड़ा, जैकलिन फर्नांडिस, अविनाश तिवारी और कीर्ति कुल्हारी और ईशिता दत्ता, इन्होंने जो काम किया है वो काफ़ी सराहनीय है और मूवी के जो रिव्यू देखने को मिले वो काफ़ी अच्छे हैं. तो आइए दोस्तों, ऑडियंस रिव्यू की अपन बात करते हैं. आई पुशेड माई सेल्फ टू फिनिश दिस मूवी आफ्टर 3 अटेम्प्ट्स. ओनली वन रिकमेंडेशन इफ यू आर हियर फॉर ए रिव्यू बिफोर डिसाइडिंग वेदर दिस मूवी इज़ वर्थ टू वॉच, प्लीज़ वॉच द ओरिजिनल वन विच हैज़ इमिली ब्रंट इट इन इट. दिस वन विथ प्रणीति चोपड़ा इज जस्ट लाइक माई अदर प्रियंका चोपड़ाज मूवी नाउ. आई शो द इंग्लिश वन इन थिएटर्स एक्सपेक्टिंग ए गॉन गर्ल एज दैट वॉज हाउ इट वॉज प्रमोटेड बट वॉजंट एज गुड बट वॉज स्टिल ओके. आफ्टर आई वॉचड दिस प्रणीति चोपड़ा अटैम्प्ट दैट वन अपियर्स ऑस्कर वर्थी. प्रणीति चोपड़ा हैज़ ओवर रिएक्टेड द हेल ऑफ एन एल्कोहलिक. देर इज नथिंग सबस्ट अबाउट इट. एंड दिस मूवी इज़ बेसिकली टीचिंग अस दैट यू शुड नॉट ट्रस्ट एनी बडी बाई दियर करंट बिहेवियर एंड डू नॉट फॉल इन लव विथ सम बैड पर्सन विथ इज गोइंग टू स्टेप यू. And the great thrill and mystery will be good for any thriller movie lover. The touch of time showing in the movie will thriller you.
थ्रिल यू एंड जस्ट वॉचेड माई मिस्ट्री एंड थ्रिलर पैकेज मूवी. द ट्रेलर वॉज नॉट सो इंटरेस्टिंग बट द मूवी इज यूनिक एंड दिस इज लिटल बिट डिफरेंट फ्रॉम द हॉलीवुड वन विच स्टारेड इमिली ब्रंट इन लीड एंड दिस वन स्टारिंग प्रणीति चोपड़ा इज लीड इज वंडरफुल एंड द हॉलीवुड वन वॉज ऑल्सो एक्सलेंट. आई वॉज नॉट ए बिग फैन ऑफ प्रणीति अंटिल आई वॉचेड दिस फिल्म. इट स्टार्ट्स विथ द फ्लैशबैक ऑफ प्रणीति's परफेक्ट लाइफ विच वॉज रनेड बाय सम रीजन्स एंड सी एंटायरली ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर बींग इन टू द ड्रास्टिक सिचुएशंस एंड बिकम एल्कोहलिक अंटिल सी रियलाइज नॉट ऑलवेज वॉट वी सी इन दिस रियलिटी एंड आई डोंट वॉन्ट टू बी ए सनूब एंड कंडन द मूवी आउट राइट एंड बिकॉज इट वॉज एन इंटरेस्टिंग वॉच बींग ए क्रेजी फैन ऑफ द बुक बाय कोला हॉकिंस एंड द एमेनी ब्रंट फिल्म आई कम टू दिस मूवी विथ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड होपिंग टू वॉच ए रीमेक थ्रू द आईज ऑफ एन इंडियन राइटर डायरेक्टर्स. इट वॉज ए फाइन वॉच ऑनेस्टली आई डिड नॉट कीप एवरी हाई एक्सपेक्टेशन बिकॉज आई एम वेरी वेल नो दैट बॉलीवुड इज नॉट कैपेबल टू चर्निंग आउट गुड थ्रिलर्स टेकिंग अबाउट द गुड पॉइंट्स वेल द लोकेशंस आर नाइस यू गेट टू सी यू ए लॉट ऑफ लंडन ब्रिलियंट. दिस इज हाउ ए स्पूफ शुड बी रिटन एंड डायरेक्टेड बेस्ट एंजॉयड विथ ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एंड सम ड्रिंक्स एंड हैट्स ऑफ टू रिबू दासगुप्ता फॉर रिमेजनिंग ए बेस्ट सेलिंग नॉवल्स पुटिंग एवर एंड पोला हॉकिंस टू सैम एंड सम वेरी फाइन एक्टर्स हु प्रोड्यूस सो मच हार्म दैट कैन फीड ए स्मॉल कंट्री. इफ यू डिड नॉट रीड द बुक और वॉच ओल्ड वन इट्स वर्थ वॉचिंग. ऑल कैरेक्टर्स आर क्लियरली फ्लेव्ड. प्रणीति चोपड़ा कीर्ति कुल्हारी एंड अदिति राव ऑल डिड ग्रेट एफर्ट्स टू मेक इट ब्यूटिफुल. इवन आई वुड शेयर ऑल द टीम इंक्लूडिंग मेकअप आर्टिस्ट डिड ए ग्रेट जॉब एंड डायरेक्टर्स रिबू दासगुप्ता कास्ट प्रणीति चोपड़ा अदिति राव हैदरी एंड कीर्ति कुल्हारी अविनाश तिवारी एंड यू नो द फीलिंग वी गेट द डे बिफोर एन एग्जाम व्हेन वी फ्लिप थ्रू द पेज इन ए हरी टू स्कीम थ्रू ऑल ऑफ द कंटेंट इन एन अटेम्प्ट टू कवर एवरीथिंग. दिस गर्ल ऑन द ट्रेन रिव्यू एंड आई वॉच्ड द मूवी यस्टरडे आई हैड not read the novel either show the original movie and so I had no clue about the plot. After watching the movie honestly I did not love the script at all and suspense thriller very nice and the story of a wondered woman who is fantasized by another woman's love life take some non-calculative steps on a shocking day which changed her life for the worst. Later realize the web of magic she is webbed around. Priniti Chopra and at her best her performance remind of Ladies versus Ricky Bahl. Okay, The Girl on the Train, which released recently on Netflix, literally sums up of
हाउ हॉलीवुड एंड बॉलीवुड वर्क्स। हॉलीवुड पिक्स अप ए बुक क्रिएट्स ए स्क्रीन प्ले टू मैच इट एंड मेक द मूवी विच रिजेबल द बुक क्लोजली वेयर एज बॉलीवुड सिंपली रिमार्क्स इट वाइल एडिंग फ्यू सॉन्ग्स एंड टेम्परिंग। मूवी वॉज एंगेजिंग इन इंटरवेल्स बट प्रणीति इज ए ट्रीट टू द आईज। द इमोशनल पोर्ट्रेट कम ऑफ ए जेन्युइन एंड एब्जॉर्ब यू इनटू द प्रोसीडिंग्स क्वाइट इफेक्टिवली एंड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ हर एक्टिंग एंड स्किल्स एंड अविनाश तिवारी कीर्ति कुल्हारी एंड अदिति राव आर इक्वली गुड टू वॉच एंड प्रणीति कुड नॉट गेट इनटू द कैरेक्टर एंड जस्ट एक्टेड ऑन एंड ऑफ द दैट मीरा कपूर कैरेक्टर्स। आई थिंक पुटिंग ऑन डार्कर एंड थिकर मास्करा एंड वेरी नाइस मूवी। इट वॉज ए प्रिटी गुड मूवी। द बेस्ट पार्ट ऑफ वॉज वेन दे चेंज्ड हर एंडिंग फ्रॉम द ओरिजिनल वन ए बिट क्लिंच वन दो बट स्टिल फॉर एवरी वन हु इज ऑलरेडी वॉचेड एंड ऑलरेडी द गर्ल ऑन द ट्रेन एंड हु वुड बी ऑलरेडी नोइंग द एंटायर प्लॉट and glad that they didn't added their own stuff into the movie and keep the story as intact as the original one. Not bad, quite good attempt to adapt a masterpiece like this and not running it like past other movies. Praniti is best till date and Aditi looks graceful and Kirti portrayed well and being a fan of Praniti ma'am myself this story was a completely and complicated one but honestly saying it is brilliant. The story is quite complicated and the amount of twist and turns which this story took is just excellent. All the other actors were also very good but Praniti ma'am's ending part is very very nice. Namaskar dosto, welcome to our YouTube channel. Dosto aaj hum Bollywood mein release hui 2021 ki bahut hi shandar ji haan dosto The Girl on the Train jo ki kafi achhi movie batai ja rahi hai aur iske review bhi kafi acche dekhne ko mile hain. Uska audience review aaj hum dekhne ja rahe hain. दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें. दोस्तों इसी तरह के अपडेट पाने के लिए भी चैनल के बेल आइकन को ऑन कर लीजिए. तो आइए दोस्तों आज हम इस मूवी के बारे में बात करते हैं. इसमें स्टार कास्ट की बात करें तो परिणीति चोपड़ा, जैकलिन फर्नांडिस, अविनाश तिवारी और कीर्ति कुल्हारी और ईशिता दत्ता, इन्होंने जो काम किया है वो काफ़ी सराहनीय है और मूवी के जो रिव्यू देखने को मिले हैं वो काफ़ी अच्छे हैं. तो आइए दोस्तों ऑडियंस रिव्यू की अपन बात करते हैं. आई पुसेड माई सेल्फ टू फिनिश दिस मूवी आफ्टर 3 अटेम्प्ट्स. ओनली वन रिकमेंडेशन इफ़ यू आर हियर फॉर ए रिव्यू बिफोर डिसाइडिंग वेदर दिस मूवी इज़ वर्थ टू वॉच, प्लीज़ वॉच द ओरिजिनल वन विच हैज़ इमिली ब्रंट इट इन इट. दिस वन विथ प्रणीति चोपड़ा इज जस्ट लाइक माई अदर प्रियंका चोपड़ाज मूवी नाउ. आई शो द इंग्लिश वन इन थिएटर्स एक्सपेक्टिंग ए गॉन गर्ल एज दैट वॉज हाउ इट वॉज प्रमोटेड बट वॉजंट एज गुड बट वॉज स्टिल ओके. आफ्टर आई वॉचड दिस प्रणीति चोपड़ा अटैम्प्ट दैट वन अपियर्स ऑस्कर वर्थी. प्रणीति चोपड़ा हैज़ ओवर रिएक्टेड द हेल ऑफ एन एल्कोहलिक. देर इज नथिंग सबस्ट अबाउट इट एंड दिस मूवी इज़ बेसिकली टीचिंग अस दैट
यू शुड नॉट ट्रस्ट एनी बडी बाई दियर करंट बिहेवियर एंड डू नॉट फॉल इन लव विथ सम बैड पर्सन विथ इज गोइंग टू स्टेप यू एंड द ग्रेट थ्रिल एंड मिस्ट्री विल बी गुड फॉर एनी थ्रिलर मूवी लवर द टच ऑफ टाइम शोइंग इन द मूवी विल थ्रिल यू एंड जस्ट वॉच शेड माई मिस्ट्री एंड थ्रिलर्स पैकेज मूवी द ट्रेलर वॉज नॉट सो इंटरेस्टिंग बट द मूवी इज यूनिक एंड दिस इज लिटल बिट डिफरेंट फ्रॉम द हॉलीवुड वन विच स्टारेड एमिली ब्रंट इन लीड एंड दिस वन स्टारिंग प्रणीति चोपड़ा इज लीड इज वंडरफुल एंड द हॉलीवुड वन वॉज ऑल्सो एक्सलेंट. I was not a big fan of Praniti until I watched this film. It starts with the flashback of Praniti's perfect life, which was ruined by some reasons, and she entirely blamed himself for being into the drastic situations and become alcoholic until she realized not always what we see in this reality. And I don't want to be a snoob and condemn the movie outright, and because it was an interesting watch, being a crazy fan of the book by Paula Hawkins and the Emily Blunt film, I come to this movie with great experience and hoping to watch a remake through the eyes of an Indian writer-director. It was a fine watch. Honestly, I did not keep every high expectation because I am very well know that Bollywood is not capable to churning out good thrillers. Taking about the good points, well, the locations are nice. You get to see you a lot of London. Brilliant. This is how a spoof should be written and directed. Best enjoyed with a group of friends and some drinks. And hats off to Ribu Dasgupta for reimagining a best-selling novels, putting ever and Paula Hawkins to Sam, and some very fine actors who produce so much harm that can feed a small country. If you did not read the book or watch old one, it's worth watching. All characters are clearly loved. Praniti Chopra, Kirti Kulhari and Aditi Rao all did great efforts to make it beautiful. Even I would say all the team, including makeup artist, did a great job. And directors Ribu Dasgupta cast Praniti Chopra, Aditi Rao, Hedri and Kirti Kulhari, Avinash Tiwari. And you know the feeling we get the day before an exam when we flip through the page in a hurry to skim through all of the content in an attempt to cover everything. This girl on the train review, and I watched the movie yesterday. I had not read the novel either, show the original movie. And so I had no clue about the plot. After watching the movie, honestly, I did not love the script at all. And suspense thriller, very nice. And the story of a wounded woman who is fantasized by another woman's love life take some non-calculative steps on a shocking day, which changed her life for the worst.
लेटर रियलाइज द वेव ऑफ मैजिक शी इज वेव्ड अराउंड प्रणीति चोपड़ा एंड एट हर बेस्ट हर परफॉर्मेंस रिमाइंड ऑफ लेडीज वर्सेस रिकी बहल ओके द गर्ल ऑन द ट्रेन विच रिलीज रिसेंटली ऑन नेटफ्लिक्स लिटरली सम्स अप ऑफ हाउ हॉलीवुड एंड बॉलीवुड वर्क्स हॉलीवुड पिक्स अप ए बुक क्रिएट्स ए स्क्रीन प्ले टू मैच इट एंड मेक द मूवी विच रीजबल द बुक क्लोजली वेयर एज बॉलीवुड सिंपली रिमार्क्स इट वाइल एडिंग फ्यू सॉन्ग्स एंड टेम्परिंग मूवी वॉज एंगेजिंग इन इंटरवेल्स बट प्रणीति इज ए ट्रीट टू द आईज द इमोशनल पोर्ट्रेट कम ऑफ ए जेन्युइन एंड एब्जॉर्ब यू इनटू द प्रोसीडिंग्स क्वाइट इफेक्टिवली एंड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ हर एक्टिंग एंड स्किल्स एंड अविनाश तिवारी कीर्ति कुल्हारी एंड अदिति राव आर इक्वली गुड टू वॉच एंड प्रणीति कुड नॉट गेट इन टू द कैरेक्टर एंड जस्ट एक्टेड ऑन एंड ऑफ द दैट मीरा कपूर कैरेक्टर्स आई थिंक पुटिंग ऑन डार्कर एंड ठीकर मास्करा एंड वेरी नाइस मूवी इट वॉज ए प्रिटी गुड मूवी द बेस्ट पार्ट ऑफ वॉज when they changed her ending from the original one a bit clinch one though but still for everyone who's already watched and already the girl on the train and who would be already knowing the entire plot and glad that they didn't added their own stuff into the movie and keep the story as intact as the original one not bad quite good attempt to adapt a masterpiece like this and not running it like past other movies Praniti is best till date and Aditi looks graceful and Kirti portrayed well And being a fan of Praniti, myself, this story was a completely and complicated one. But honestly saying, it is brilliant. The story is quite complicated and the amount of twists and turns which this story took is just excellent. All the other actors were also वेरी गुड बट प्रणीति मैम एंडिंग पार्ट इज़ वेरी वेरी नाइस नमस्कार दोस्तों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दोस्तों आज हम बॉलीवुड में रिलीज़ हुई 2021 की बहुत ही शानदार जी हाँ दोस्तों द गर्ल ऑन द ट्रेन जो कि काफ़ी अच्छी मूवी बताई जा रही है और इसके रिव्यू भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं उसका ऑडियंस रिव्यू आज हम देखने जा रहे हैं दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों इसी तरह के अपडेट पाने के लिए भी चैनल के बेल आइकन को ऑन कर लीजिए तो आइए दोस्तों आज हम इस मूवी के बारे में बात करते हैं इसमें स्टार कास्ट की बात करें तो परिणीति चोपड़ा जैकलिन फर्नांडिस अविनाश तिवारी और कीर्ति कुल्हारी और ईशिता दत्ता इन्होंने जो काम किया है वो काफ़ी सराहनीय है और मूवी के जो रिव्यू देखने को मिले वो काफ़ी अच्छे हैं तो आइए दोस्तों ऑडियंस रिव्यू की अपन बात करते हैं आई पुसेड माई सेल्फ टू फिनिश दिस मूवी आफ्टर 3 अटेम्प्ट ओनली वन रिकमेंडेशन इफ यू आर हियर फॉर ए रिव्यू बिफोर डिसाइडिंग वेदर दिस मूवी इज़ वर्थ टू वॉच प्लीज़ वॉच द ओरिजिनल वन विच हैज़ इमिली ब्रंट इट इन इट दिस वन विथ प्रणीति चोपड़ा इज जस्ट लाइक माई अदर प्रियंका चोपड़ाज मूवी नाउ आई शो द इंग्लिश वन इन थिएटर्स एक्सपेक्टिंग ए गॉन गर्ल एज दैट वॉज हाउ इट वॉज प्रमोटेड बट वजंट
एज गुड बट वॉज स्टिल ओके आफ्टर आई वॉचड दिस परिणीति चोपड़ा अटैम्प्ट दैट वन अपियर्स ऑस्कर वर्थी. परिणीति चोपड़ा हैज़ ओवर रिएक्टेड द हेल ऑफ एन एल्कोहलिक देर इज नथिंग सबस्ट अबाउट इट एंड दिस मूवी इज बेसिकली टीचिंग अस दैट यू शुड नॉट ट्रस्ट एनी बडी बाई दियर करंट बिहेवियर एंड डू नॉट फॉल इन लव विथ सम बैड पर्सन विथ इज गोइंग टू स्टेप यू एंड द ग्रेट थ्रिल एंड मिस्ट्री विल बी गुड फॉर एनी थ्रिलर मूवी लवर द टच ऑफ टाइम शोइंग इन द मूवी विल थ्रिल यू एंड जस्ट वॉचड माई मिस्ट्री एंड थ्रिलर्स पैकेज मूवी द ट्रेलर वॉज नॉट सो इंटरेस्टिंग बट द मूवी इज यूनिक एंड दिस इज लिटल बिट डिफरेंट फ्रॉम द हॉलीवुड वन विच स्टारेड इमिली ब्रंट इन लीड एंड दिस वन स्टारिंग परिणीति चोपड़ा इज लीड इज वंडरफुल एंड द हॉलीवुड वन वॉज ऑल्सो एक्सलेंट. I was not a big fan of Praniti until I watched this film. It starts with the flashback of Praniti's perfect life which was ruined by some reasons and she entirely blamed himself for being into the drastic situations and become alcoholic until she realized not always what we see in this reality and I don't want to be a snoob and condemn the movie outright and because it was an interesting watch being a crazy fan of the book by Paula Hawkins and the Emily Blunt film I come to this movie with great experience and hoping to watch a remake through the eyes of an Indian writer director. It was a fine watch. Honestly, I did not keep every high expectation because I am very well know that Bollywood is not capable to churning out good thrillers. Taking about the good points, well, the locations are nice. You get to see you a lot of London. Brilliant. This is how a spoof should be written and directed. Best enjoyed with a group of friends and some drinks. And hats off to Ribu Dasgupta for reimagining a best-selling novels, putting Ever and Paula Hawkins to Sam and some very fine actors who produce so much harm that can feed a small country. If you did not read the book or watch old one, it's worth watching. All characters are clearly loved. Praniti Chopra, Kirti Kulhari and Aditi Rao all did great efforts to make it beautiful. Even I would say all the team including makeup artist did a great job. And directors Ribu Dasgupta cast Praniti Chopra, Aditi Rao, Hedri and Kirti Kulhari, Avinash Tiwari. And you know the feeling we get the day before an exam when we flip through the page in a hurry to skim through all of the content in an attempt to cover everything. This girl on the train review and I watched the movie yesterday. I had not read the novel either, show the original movie. And so I had no clue about the plot. After watching the movie, honestly, I did not love the script at all. And
सस्पेंस थ्रिलर, वेरी नाइस। एंड द स्टोरी ऑफ ए वंडर्ड वूमेन हु इज फैंटिसाइज्ड बाय अनदर वूमेन्स लव लाइफ टेक सम नॉन कैलकुलेटिव स्टेप्स ऑन ए शॉकिंग डे विच चेंज्ड हर लाइफ फॉर द वर्स्ट। लेटर रियलाइज द वेव ऑफ मैजिक सीज वेव्ड अराउंड प्रणीति चोपड़ा एंड एट हर बेस्ट हर परफॉर्मेंस रिमाइंड ऑफ लेडीज वर्सेज रिकी बहल। ओके द गर्ल ऑन द ट्रेन विच रिलीज रिसेंटली ऑन नेटफ्लिक्स लिटरली सम्स अप ऑफ हाउ हॉलीवुड एंड बॉलीवुड वर्क्स। हॉलीवुड पिक्स अप ए बुक क्रिएट्स ए स्क्रीन प्ले टू मैच इट एंड मेक द मूवी विच रीजबल द बुक क्लोजली वेयर एज बॉलीवुड सिंपली रिमार्क्स इट वाइल एडिंग फ्यू सॉन्ग्स एंड टेम्परिंग। मूवी वॉज एंगेजिंग इन इंटरवेल्स बट प्रणीति इज ए ट्रीट टू द आईज। द इमोशनल पोर्ट्रेट कम ऑफ ए जेन्युइन एंड एब्जॉर्ब यू इनटू द प्रोसीडिंग्स क्वाइट इफेक्टिवली एंड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ हर एक्टिंग एंड स्किल्स एंड अविनाश तिवारी कीर्ति कुल्हारी एंड अदिति राव आर इक्वली गुड टू वॉच एंड प्रणीति कुड नॉट गेट इन टू द कैरेक्टर एंड जस्ट एक्टेड ऑन एंड ऑफ द दैट मीरा कपूर कैरेक्टर्स। आई थिंक पुटिंग ऑन डार्कर एंड थिकर मास्करा एंड वेरी नाइस मूवी। इट वॉज ए प्रिटी गुड मूवी। द बेस्ट पार्ट ऑफ वॉज वेन दे चेंज्ड हर एंडिंग फ्रॉम द ओरिजिनल वन ए बिट क्लिंच वन दो बट स्टिल फॉर एवरी वन हु इज ऑलरेडी वॉचेड एंड ऑलरेडी द गर्ल ऑन द ट्रेन एंड हु वुड बी ऑलरेडी नोइंग द एंटायर प्लॉट and glad that they didn't added their own stuff into the movie and keep the story as intact as the original one. Not bad, quite good attempt to adapt a masterpiece like this and not running it like past other movies. Praniti is best till date and Aditi looks graceful and Kirti portrayed well and being a fan of Praniti ma'am myself this story was a completely and complicated one but honestly saying it is brilliant. The story is quite complicated and the amount of twists and turns which this story took is just excellent. All the other actors were also very good but Praniti ma'am's ending part is very very nice. Namaskar dosto, welcome to our YouTube channel. Dosto aaj hum Bollywood mein release hui 2021 ki bahut hi shandar ji haan dosto The Girl on the Train jo ki kafi achhi movie batai ja rahi hai aur iske review bhi kafi acche dekhne ko mile hain. Uska audience review aaj hum dekhne ja rahe hain. दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें. दोस्तों इसी तरह के अपडेट पाने के लिए भी चैनल के बेल आइकन को ऑन कर लीजिए. तो आइए दोस्तों आज हम इस मूवी के बारे में बात करते हैं. इसमें स्टार कास्ट की बात करें तो परिणीति चोपड़ा, जैकलिन फर्नांडिस, अविनाश तिवारी और कीर्ति कुल्हारी और ईशिता दत्ता, इन्होंने जो काम किया है वो काफ़ी सराहनीय है और मूवी की जो रिव्यू देखने को मिले वो काफ़ी अच्छे हैं. तो आइए दोस्तों ऑडियंस रिव्यू की अपन बात करते हैं. आई पुसेड माई सेल्फ टू फिनिश दिस मूवी आफ्टर 3 अटेम्प्ट्स. ओनली वन रिकमेंडेशन इफ यू आर हियर फॉर ए रिव्यू बिफोर डिसाइडिंग वेदर दिस मूवी इज़ वर्थ टू वॉच, प्लीज़ वॉच द ओरिजिनल वन विच हैज़ इमिली
ब्रंट इट इन इट। दिस वन विथ प्रणीति चोपड़ा इज जस्ट लाइक माई अदर प्रियंका चोपड़ाज मूवी नाउ। आई शो द इंग्लिश वन इन थिएटर्स एक्सपेक्टिंग ए गॉन गर्ल एज दैट वॉज हाउ इट वॉज प्रमोटेड बट वॉजंट एज गुड बट वॉज स्टिल ओके आफ्टर आई वॉचड दिस प्रणीति चोपड़ा अटैम्प्ट दैट वन अपियर्स ऑस्कर वर्थी। प्रणीति चोपड़ा हैज़ ओवर रिएक्टेड द हेल ऑफ एन एल्कोहलिक देर इज नथिंग सबस्ट अबाउट इट एंड दिस मूवी इज बेसिकली टीचिंग अस दैट यू शुड नॉट ट्रस्ट एनी बडी बाई दियर करंट बिहेवियर एंड डू नॉट फॉल इन लव विथ सम बैड पर्सन विथ इज गोइंग टू स्टेप यू एंड द ग्रेट थ्रिल एंड मिस्ट्री विल बी गुड फॉर एनी थ्रिलर मूवी लवर द टच ऑफ टाइम शोइंग इन द मूवी विल थ्रिल यू एंड जस्ट वॉचड माई मिस्ट्री एंड थ्रिलर्स पैकेज मूवी द ट्रेलर वॉज नॉट सो इंटरेस्टिंग बट द मूवी इज यूनिक एंड दिस इज लिटल बिट डिफरेंट फ्रॉम द हॉलीवुड वन विच स्टारेड इमिली ब्रंट इन लीड एंड दिस वन स्टारिंग प्रणीति चोपड़ा इज लीड इज वंडरफुल एंड द हॉलीवुड वन वॉज ऑल्सो एक्सलेंट। आई वॉज नॉट ए बिग फैन ऑफ प्रणीति अंटिल आई वॉचड दिस फिल्म। इट स्टार्ट्स विथ द फ्लैशबैक ऑफ प्रणीतिज परफेक्ट लाइफ विच वॉज रनेड बाय सम रीजन्स एंड सी एंटायरली ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर बींग इन टू द ड्रास्टिक सिचुएशंस एंड बिकम एल्कोहलिक अंटिल सी रियलाइज नॉट ऑलवेज वॉट वी सी इन दिस रियलिटी एंड आई डोंट वॉन्ट टू बी ए सनूब एंड कंडन द मूवी आउट राइट एंड बिकॉज इट वॉज एन इंटरेस्टिंग वॉच बींग ए क्रेजी फैन ऑफ द बुक बाय कोला हॉकिंस एंड द एमेनी ब्रंट फिल्म आई come to this movie with great experience and hoping to watch a remake through the eyes of an Indian writer director. It was a fine watch. Honestly, I did not keep every high expectation because I am very well know that Bollywood is not capable to churning out good thrillers. Taking about the good points, well, the locations are nice. You get to see you a lot of London. Brilliant. This is how a spoof should be written and directed. Best enjoyed with a group of friends and some drinks. And hats off to Ribu Dasgupta for reimagining a best-selling novels, putting Ever and Paula Hawkins to shame, and some very fine actors who produce so much harm that can feed a small country. If you did not read the book or watch old one, it's worth watching. All characters are clearly flavored. Pranithi Chopra, Kirti Kulhari and Aditi Rao all did great efforts to make it beautiful. Even I would say all the team including makeup artist did a great job. And directors Ribu Dasgupta cast Pranithi Chopra, Aditi Rao, Hedri and Kirti Kulhari, Avinash Tiwari. And you know the feeling we get the day before an exam when we flip through the page in a hurry to skim through all of the content in an attempt to cover everything. This girl on the train review
एंड आई वॉच द मूवी यस्टरडे आई हैड नॉट रीड द नॉवल आइदर शो द ओरिजिनल मूवी एंड सो आई हैड नो क्लू अबाउट द प्लॉट आफ्टर वॉचिंग द मूवी होनेस्टली आई डिड नॉट लव द स्क्रिप्ट एट ऑल एंड सस्पेंस थ्रिलर वेरी नाइस एंड द स्टोरी ऑफ ए वंडर्ड वूमेन हु इज फैंटिसाइज्ड बाय अनदर वूमेन्स लव लाइफ टेक सम नॉन कैलकुलेटिव स्टेप्स ऑन ए शॉकिंग डे विच चेंज्ड हर लाइफ फॉर द वर्स्ट लेटर रियलाइज द वेव ऑफ मैजिक शी इज वेव्ड अराउंड प्रणीति चोपड़ा एंड एट हर बेस्ट हर परफॉर्मेंस रिमाइंड ऑफ लेडीज वर्सेज रिक्की बहल ओके द गर्ल ऑन द ट्रेन विच रिलीज रिसेंटली ऑन नेटफ्लिक्स लिटरली सम्स अप ऑफ हाउ हॉलीवुड एंड बॉलीवुड वर्क्स हॉलीवुड पिक्स अप ए बुक क्रिएट्स ए स्क्रीन प्ले टू मैच इट एंड मेक द मूवी विच रीजबल द बुक क्लोजली वेयर एज बॉलीवुड सिंपली रिमार्क्स इट वाइल एडिंग फ्यू सॉन्ग्स एंड टेम्परिंग मूवी वॉज एंगेजिंग इन इंटरवेल्स बट प्रणीति इज ए ट्रीट टू द आईज द इमोशनल पोर्ट्रेट कम ऑफ ए जेन्युइन एंड एब्जॉर्ब यू इनटू द प्रोसीडिंग्स क्वाइट इफेक्टिवली एंड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ हर एक्टिंग एंड स्किल्स एंड अविनाश तिवारी कीर्ति कुल्हारी एंड अदिति राव आर इक्वली गुड टू वॉच एंड प्रणीति कुड नॉट गेट इनटू द कैरेक्टर एंड जस्ट एक्टेड ऑन एंड ऑफ द दैट मीरा कपूर कैरेक्टर्स आई थिंक पुटिंग ऑन डार्कर एंड थिकर मास्करा एंड वेरी नाइस मूवी इट वॉज ए प्रिटी गुड मूवी द बेस्ट पार्ट ऑफ वॉज वेन दे चेंज्ड हर एंडिंग फ्रॉम द ओरिजिनल वन ए बिट क्लिंच वन दो बट स्टिल फॉर एवरी वन हु इज ऑलरेडी वॉचड एंड ऑलरेडी द गर्ल ऑन द ट्रेन एंड हु वुड बी ऑलरेडी नोइंग द एंटायर प्लॉट एंड ग्लेड दैट दे डिडेंट एडेड दियर ओन स्टफ इन टू द मूवी एंड कीप द स्टोरी एज इंटेंट इंटैक्ट एज द ओरिजिनल वन नॉट बैड क्विट गुड अटेम्प्ट टू रिडेप्ट ए मास्टर पीस लाइक दिस एंड नॉट रनिंग इट लाइक पास्ट अदर मूवीज प्रणीति इज बेस्ट टिल डेट एंड अदिति लुक्स ग्रेसफुल एंड कीर्ति पोर्ट्रेड वेल एंड बींग ए फैन ऑफ प्रणीति मैम माई सेल्फ दिस स्टोरी वॉज ए कम्प्लीटली एंड कम्प्लीटेड वन बट ऑनेस्टली सेइंग इट इज ब्रिलियंट द स्टोरी इज क्विट कॉम्प्लिकेटेड एंड द अमाउंट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स विच दिस स्टोरी टुक इज जस्ट एक्सलेंट ऑल द अदर एक्टर्स वर आल्सो वेरी गुड बट प्रणीति मैम्स एंडिंग पार्ट इज वेरी वेरी नाइस नमस्कार दोस्तों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दोस्तों आज हम बॉलीवुड में रिलीज हुई 2021 की बहुत ही शानदार जी हाँ दोस्तों द गर्ल ऑन द ट्रेन जो कि काफ़ी अच्छी मूवी बताई जा रही है और इसके रिव्यू भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं उसका ऑडियंस रिव्यू आज हम देखने जा रहे हैं दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों इसी तरह के अपडेट पाने के लिए भी चैनल के बेल आइकन को ऑन कर लीजिए तो आइए दोस्तों आज हम इस मूवी के बारे में बात करते हैं इसमें स्टार कास्ट की बात करें तो परिणीति चोपड़ा जैकलिन फर्नांडिस अविनाश तिवारी और कीर्ति कुल्हारी और ईशिता दत्ता इन्होंने जो काम किया है वो काफ़ी सराहनीय है
और मूवी के जो रिव्यू देखने को मिले वो काफ़ी अच्छे हैं। तो आइए दोस्तों, ऑडियंस रिव्यू की अपन बात करते हैं। आई पुसेड माई सेल्फ टू फिनिश दिस मूवी आफ्टर 3 अटेम्प्ट ओनली वन रिकमेंडेशन इफ़ यू आर हियर फॉर ए रिव्यू बिफोर डिसाइडिंग वेदर दिस मूवी इज़ वर्थ टू वॉच प्लीज़ वॉच द ओरिजिनल वन विच हैज़ इमिली ब्रंट इट इन इट दिस वन विथ प्रणीति चोपड़ा इज जस्ट लाइक माई अदर प्रियंका चोपड़ाज मूवी नाउ I show the English one in theaters expecting a gone girl as that was how it was promoted but wasn't as good but was still okay after I watched this Praniti Chopra attempt that one appears Oscar worthy Praniti Chopra has overreacted the hell of an alcoholic there is nothing subst about it and this movie is basically teaching us that you should not trust anybody by their current behavior and do not fall in love with some bad person with is going to step you and the great thrill and mystery will be good for any thriller movie lover the touch of time showing in the movie will thrill you and just watched my mystery and thrillers package movie the trailer was not so interesting but the movie is unique and this is little bit different from the Hollywood one which starred Emily Brunt in lead and this one starring Praniti Chopra is lead is wonderful and the Hollywood one was also excellent I was not a big fan of Praniti until I watched this film it starts with the flashback of Praniti's perfect life which was ruined by some reasons and she entirely blamed himself for being into the drastic situations and become alcoholic until she realized not always what we see in this reality and I don't want to be a snoob and condemn the movie outright and because it was an interesting watch being a crazy fan of the book by Paula Hawkins and the Emily Brunt film I come to this movie with great experience and hoping to watch a remake through the eyes of an Indian writer director It was a fine watch. Honestly, I did not keep every high expectation because I am very well know that Bollywood is not capable to churning out good thrillers. Taking about the good points, well, the locations are nice. You get to see a lot of London. Brilliant. This is how a spoof should be written and directed best enjoyed with a group of friends and some drinks and hats off to Ribu Dasgupta for reimagining a best selling novels putting ever and Paula Hawkins to Sam, very fine actors who produce so much harm that can feed a small country. If you did not read the book or watch old one, it's worth watching. All characters are clearly flawed. Praniti Chopra, Kirti Kulhari, and Aditi Rao all did great efforts to make it beautiful. Even I would say all the team, including makeup artist, did a great job. And directors Ribu Dasgupta cast Praniti Chopra Aditi Rao
हैदरी एंड कीर्ति कुल्हारी अविनाश तिवारी एंड यू नो द फीलिंग वी गेट द डे बिफोर एन एग्ज़ाम व्हेन वी फ्लिप थ्रू द पेज इन ए हरी टू स्कीम थ्रू ऑल ऑफ द कंटेंट इन एन अटेम्प्ट टू कवर एवरीथिंग दिस गर्ल ऑन द ट्रेन रिव्यू एंड आई वॉच्ड द मूवी यस्टरडे आई हैड नॉट रीड द नॉवल आइदर शो द ओरिजिनल मूवी एंड सो आई हैड नो क्लू अबाउट द प्लॉट आफ्टर वॉचिंग द मूवी होनेस्टली आई डिड नॉट लव द स्क्रिप्ट एट ऑल एंड सस्पेंस थ्रिलर वेरी नाइस एंड द स्टोरी ऑफ ए वंडर्ड वूमेन हु इज फैंटिसाइज्ड बाय अनदर वूमेन्स लव लाइफ टेक सम नॉन कैलकुलेटिव स्टेप्स ऑन ए शॉकिंग डे विच चेंज्ड हर लाइफ फॉर द वर्स्ट लेटर रियलाइज द वेव ऑफ मैजिक शी इज वेव्ड अराउंड प्रणीति चोपड़ा एंड एट हर बेस्ट हर परफॉर्मेंस रिमाइंड ऑफ लेडीज वर्सेज रिक्की बहल ओके द गर्ल ऑन द ट्रेन विच रिलीज रिसेंटली ऑन नेटफ्लिक्स लिटरली सम्स अप ऑफ हाउ हॉलीवुड एंड बॉलीवुड वर्क्स हॉलीवुड पिक्स अप ए बुक क्रिएट्स ए स्क्रीन प्ले टू मैच इट एंड मेक द मूवी विच रीजबल द बुक क्लोजली वेयर एज बॉलीवुड सिंपली रिमार्क्स इट वाइल एडिंग फ्यू सॉन्ग्स एंड टेम्परिंग मूवी वॉज एंगेजिंग इन इंटरवेल्स बट प्रणीति इज ए ट्रीट टू द आईज द इमोशनल पोर्ट्रेट कम ऑफ ए जेन्युइन एंड एब्जॉर्ब यू इनटू द प्रोसीडिंग्स क्वाइट इफेक्टिवली एंड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ हर एक्टिंग एंड स्किल्स एंड अविनाश तिवारी कीर्ति कुल्हारी एंड अदिति राव आर इक्वली गुड टू वॉच एंड प्रणीति कुड नॉट गेट इनटू द कैरेक्टर एंड जस्ट एक्टेड ऑन एंड ऑफ द दैट मीरा कपूर कैरेक्टर्स आई थिंक पुटिंग ऑन डार्कर एंड थिकर मास्करा एंड वेरी नाइस मूवी इट वॉज ए प्रिटी गुड मूवी द बेस्ट पार्ट ऑफ वॉज वेन दे चेंज्ड हर एंडिंग फ्रॉम द ओरिजिनल वन ए बिट क्लिंच वन दो बट स्टिल फॉर एवरी वन हु इज ऑलरेडी वॉचड एंड ऑलरेडी द गर्ल ऑन द ट्रेन एंड हु वुड बी ऑलरेडी नोइंग द एंटायर प्लॉट एंड ग्लेड दैट दे डिडेंट एडेड दियर ओन स्टफ इन टू द मूवी एंड कीप द स्टोरी एज इंटैक्ट एज द ओरिजिनल वन नॉट बैड क्विट गुड अटेम्प्ट टू रिडेप्ट ए मास्टर पीस लाइक दिस एंड नॉट रनिंग इट लाइक पास्ट अदर मूवीज प्रणीति इज बेस्ट टिल डेट एंड अदिति लुक्स ग्रेसफुल एंड कीर्ति पोर्ट्रेड वेल एंड बींग ए फैन ऑफ प्रणीति मैम माई सेल्फ दिस स्टोरी वॉज ए कम्प्लीटली एंड कम्प्लिकेटेड वन बट ऑनेस्टली सेइंग इट इज ब्रिलियंट द स्टोरी इज क्विट कॉम्प्लिकेटेड एंड द अमाउंट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स विच दिस स्टोरी टुक इज जस्ट एक्सलेंट ऑल द अदर एक्टर्स वर आल्सो वेरी गुड बट प्रणीति मैम्स एंडिंग पार्ट इज वेरी वेरी नाइस नमस्कार दोस्तों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दोस्तों आज हम बॉलीवुड में रिलीज हुई 2021 की बहुत ही शानदार जी हाँ दोस्तों द गर्ल ऑन द ट्रेन जो कि काफ़ी अच्छी मूवी बताई जा रही है और इसके रिव्यू भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं उसका ऑडियंस रिव्यू आज हम देखने जा रहे हैं
दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, इसी तरह के अपडेट पाने के लिए भी चैनल के बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, आज हम इस मूवी के बारे में बात करते हैं। इसमें स्टार कास्ट की बात करें तो परिणीति चोपड़ा, जैकलिन फर्नांडिस, अविनाश तिवारी और कीर्ति कुल्हारी और इशिता दत्ता, इन्होंने जो काम किया है वो काफ़ी सराहनीय है और मूवी के जो रिव्यू देखने को मिले वो काफ़ी अच्छे हैं। तो आइए दोस्तों, ऑडियंस रिव्यू की अपन बात करते हैं। आई पुसेड माई सेल्फ टू फिनिश दिस मूवी आफ्टर 3 अटेम्प्ट्स, ओनली वन रिकमेंडेशन इफ़ यू आर हियर फॉर ए रिव्यू बिफोर डिसाइडिंग वेदर दिस मूवी इज़ वर्थ टू वॉच, प्लीज़ वॉच द ओरिजिनल वन विच हैज़ इमिली ब्रंट इट इन इट। दिस वन विथ प्रणीति चोपड़ा इज जस्ट लाइक माई अदर प्रियंका चोपड़ाज मूवी नाउ। आई शो द इंग्लिश वन इन थिएटर्स एक्सपेक्टिंग ए गॉन गर्ल एज दैट वॉज हाउ इट वॉज प्रमोटेड, बट वॉजंट एज गुड बट वॉज स्टिल ओके आफ्टर आई वॉचड दिस प्रणीति चोपड़ा अटैम्प्ट दैट वन अपियर्स ऑस्कर वर्थी। प्रणीति चोपड़ा हैज़ ओवर रिएक्टेड द हेल ऑफ एन एल्कोहलिक, देर इज नथिंग सबस्ट अबाउट इट एंड दिस मूवी इज बेसिकली टीचिंग अस दैट यू शुड नॉट ट्रस्ट एनी बडी बाई दियर करंट बिहेवियर एंड डू नॉट फॉल इन लव विथ सम बैड पर्सन विथ इज गोइंग टू स्टेप यू and the great thrill and mystery will be good for any thriller movie lover. The touch of time showing in the movie will thrill you and just watched my mystery and thrillers package movie. The trailer was not so interesting but the movie is unique and this is little bit different from the Hollywood one which starred इमिली ब्रंट इन लीड एंड दिस वन स्टारिंग प्रणीति चोपड़ा इज लीड इज वंडरफुल एंड द हॉलीवुड वन वॉज ऑल्सो एक्सलेंट। आई वॉज नॉट ए बिग फैन ऑफ प्रणीति अंटिल आई वॉचड दिस फिल्म। इट स्टार्ट्स विथ द फ्लैशबैक ऑफ प्रणीतिज परफेक्ट लाइफ विच वॉज रनेड बाय सम रीजन्स एंड सी एंटायरली ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर बींग इन टू द ड्रास्टिक सिचुएशंस एंड बिकम एल्कोहलिक अंटिल सी रियलाइज नॉट ऑलवेज वॉट वी सी इन दिस रियलिटी एंड आई डोंट वॉन्ट टू बी ए सनूब एंड कंडन द मूवी आउट राइट and because it was an interesting watch, being a crazy fan of the book by Paula Hawkins and the Emily Brent film, I come to this movie with great experience and hoping to watch a remake through the eyes of an Indian writer director. It was a fine watch. Honestly, I did not keep every high expectation because I am very well know that Bollywood is not capable to churning out good thrillers. Taking about the good points, well, the locations are nice. You get to see a lot of London. Brilliant. This is how a spoof should be written and directed. Best enjoyed with a group of friends and some drinks. And hats off to Ribu Dasgupta for reimagining a best-selling novels, putting Ever and Paula Hawkins to shame, and some very fine actors who produce so much harm that can feed a small country.
इफ़ यू डिड नॉट रीड द बुक और वॉच ओल्ड वन इट्स वर्थ वॉचिंग ऑल कैरेक्टर्स आर क्लियरली फ्लेव्ड प्रणीति चोपड़ा कीर्ति कुल्हारी एंड अदिति राव ऑल डिड ग्रेट एफर्ट्स टू मेक इट ब्यूटिफुल इवन आई वुड से ऑल द टीम इंक्लूडिंग मेकअप आर्टिस्ट डिड ए ग्रेट जॉब एंड डायरेक्टर्स रिबू दास गुप्ता कास्ट प्रणीति चोपड़ा अदिति राव हैदरी एंड कीर्ति कुल्हारी अविनाश तिवारी एंड यू नो द फीलिंग वी गेट द डे बिफोर एन एग्जाम व्हेन वी फ्लिप थ्रू द पेज इन ए हरी टू स्कीम थ्रू ऑल ऑफ द कंटेंट इन एन अटेम्प्ट टू कवर एवरीथिंग दिस गर्ल ऑन द ट्रेन रिव्यू एंड आई वॉच्ड द मूवी यस्टरडे आई हैड नॉट रीड द नॉवल आइदर शो द ओरिजिनल मूवी एंड सो आई हैड नो क्लू अबाउट द प्लॉट आफ्टर वॉचिंग द मूवी होनेस्टली आई डिड नॉट लव द स्क्रिप्ट एट ऑल एंड सस्पेंस थ्रिलर वेरी नाइस एंड द स्टोरी ऑफ ए वंडर्ड वूमेन हु इज फैंटिसाइज्ड बाय अनदर वूमेन्स लव लाइफ टेक सम नॉन कैलकुलेटिव स्टेप्स ऑन ए शॉकिंग डे विच चेंज्ड हर लाइफ फॉर द वर्स्ट लेटर रियलाइज द वेव ऑफ मैजिक शी इज वेव्ड अराउंड प्रणीति चोपड़ा एंड एट हर बेस्ट हर परफॉर्मेंस रिमाइंड ऑफ लेडीज वर्सेज रिक्की बहल ओके द गर्ल ऑन द ट्रेन विच रिलीज रिसेंटली ऑन नेटफ्लिक्स लिटरली सम्स अप ऑफ हाउ हॉलीवुड एंड बॉलीवुड वर्क्स हॉलीवुड पिक्स अप ए बुक क्रिएट्स ए स्क्रीन प्ले टू मैच इट एंड मेक द मूवी विच रीजबल द बुक क्लोजली वेयर एज बॉलीवुड सिंपली रिमार्क्स इट वाइल एडिंग फ्यू सॉन्ग्स एंड टेम्परिंग मूवी वॉज एंगेजिंग इन इंटरवेल्स बट प्रणीति इज ए ट्रीट टू द आईज द इमोशनल पोर्ट्रेट कम ऑफ ए जेन्युइन एंड एब्जॉर्ब यू इनटू द प्रोसीडिंग्स क्वाइट इफेक्टिवली एंड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ हर एक्टिंग एंड स्किल्स एंड अविनाश तिवारी कीर्ति कुल्हारी एंड अदिति राव आर इक्वली गुड टू वॉच एंड प्रणीति कुड नॉट गेट इनटू द कैरेक्टर एंड जस्ट एक्टेड ऑन एंड ऑफ द दैट मीरा कपूर कैरेक्टर्स आई थिंक पुटिंग ऑन डार्कर एंड थिकर मास्करा एंड वेरी नाइस मूवी इट वॉज ए प्रिटी गुड मूवी द बेस्ट पार्ट ऑफ वॉज वेन दे चेंज्ड हर एंडिंग फ्रॉम द ओरिजिनल वन ए बिट क्लिंच वन दो बट स्टिल फॉर एवरी वन हु इज ऑलरेडी वॉचड एंड ऑलरेडी द गर्ल ऑन द ट्रेन एंड हु वुड बी ऑलरेडी नोइंग द एंटायर प्लॉट एंड ग्लेड दैट दे डिडेंट एडेड दियर ओन स्टफ इन टू द मूवी एंड कीप द स्टोरी एज इंटैक्ट एज द ओरिजिनल वन नॉट बैड क्विट गुड अटेम्प्ट टू रिडेप्ट ए मास्टर पीस लाइक दिस एंड नॉट रनिंग इट लाइक पास्ट अदर मूवीज प्रणीति इज बेस्ट टिल डेट एंड अदिति लुक्स ग्रेसफुल एंड कीर्ति पोर्ट्रेड वेल एंड बींग ए फैन ऑफ प्रणीति मैम माई सेल्फ दिस स्टोरी वॉज ए कम्प्लीटली एंड कम्प्लिकेटेड वन बट ऑनेस्टली सेइंग इट इज ब्रिलियंट द स्टोरी इज क्विट कॉम्प्लिकेटेड एंड द अमाउंट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स विच दिस स्टोरी टुक इज जस्ट एक्सलेंट ऑल द
अदर एक्टर्स वर आल्सो वेरी गुड बट परिणीति मैम्स एंडिंग पार्ट इज़ वेरी वेरी नाइस।